कहते हैं कि मृत्यु जीवन का परम सत्य है, लेकिन मृत्यु के बाद का सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता। मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे आत्मा प्राण त्यागती है, कैसे वो यमलोक जाती है, इन सवालों के जवाब अगर कहीं है तो वो गरुड़ पुराण है। इस पुराण में एक किस्से का उल्लेख किया गया है जिसमें भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे ये पूछते हैं कि हे श्री हरि, मुझे ये बताइए कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस पर अपने वाहन को एक एक बात बताते हुए भगवान विष्णु ने मृत्यु के बाद के 47 दिनों का उल्लेख किया। तो आइए आज गरुड़ पुराण के इसी किस्से के हिसाब से आपको बताते हैं कि मौत के 47 दिन तक आत्मा का क्या होता है। सबसे पहले तो गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि मृत्यु के वक्त इंसान की आवाज चली जाती है। जैसे ही शरीर सांस लेना बंद कर देता है वैसे ही उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है। ये दिव्य दृष्टि आत्मा को इसलिए मिलती है ताकि वो पूरी सृष्टि को एक समान देख सके। इसके बाद आत्मा को लाने के लिए यम के दूत आते हैं। कहते हैं कि आत्मा को लेने के लिए एक नहीं बल्कि दो यमदूत धरती पर एक साथ आते हैं। यमदूतों के आते ही आत्मा भय से हाँ हाँ की आवाज करते हुए शरीर से एक अंगूठे जितना बाहर निकलती है और फिर जैसे ही आत्मा पूरे तरीके से शरीर से बाहर आ जाती है यमदूत उसके गले में एक पाश बांध देते हैं। इसके बाद आत्मा को यमलोक लेकर जाया जाता है। लिखा गया है कि अगर आत्मा पवित्र हो तो उसे खुद परमात्मा का वाहन लेने आता है, लेकिन अगर आत्मा बुरी हो तो उसे गर्म बालू और अंधेरे से भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आत्मा पापी हो तो उसे यमलोक पहुंचने के बाद यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद उसी दिन आत्मा को आकाश के रास्ते से वापस उसके घर में छोड़ दिया जाता है और फिर आत्मा अपनी अंतिम रस्मों को होते हुए अपनी आंखों से देखती है। मौत के 12 दिनों तक अपने घर में अपनों के बीच रहती है वो आत्मा। 13वें दिन जब आत्मा का पिंड दान हो जाता है तो उसे यम के दूत फिर से लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अब जो सफर है आत्मा के लिए वो बेहद कठिन होता है। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है तब तो उसका ये सफर बेहद आसान और सुखद रहता है, लेकिन अगर आत्मा को नर्क प्राप्त होता है तो उसे वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि ये वैतरणी नदी है क्या। आपको बता दें कि वैतरणी नदी गंगा का रौद्र रूप है। जी हाँ, विशेषज्ञों के हिसाब से ये गंगा का ही भयानक खौफनाक रूप है। पुराणों में ये लिखा गया है वैतरणी नदी में बहने वाला जल लाल रंग का होता है। इस नदी में आग के अंगारे होते हैं और बेहद डरावने जीव होते हैं। अब कर्मों के अनुसार इस नदी के ऊपर से आत्मा को ले जाया जाता है। अगर आत्मा घोर पापी हो तो उसे उस नदी पर से घसीट कर ले जाया जाता है। उस वक्त आत्मा ऐसा महसूस करती है जैसे वो जल रही हो, जैसे कुछ काट रहा हो, जैसे उसके शरीर को चीरा जा रहा हो। लेकिन अगर आत्मा ने कई पापों के बीच एक पुण्य भी किया है तो उस आत्मा को उस नदी के ऊपर से वाहन से ले जाया जाता है। खास तौर पर अगर पापी आत्मा ने अपनी जिंदगी में एक बार भी गौदान किया हो तो उसे वैतरणी नदी के ऊपर से होकर घसीटते हुए नहीं ले जाया जाता, बल्कि वाहन पर बैठाकर नरक द्वार की ओर ले जाया जाता है। वैतरणी नदी का ये सफर 47 दिनों का होता है और 47 दिनों तक पापी आत्मा को पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है। 47 दिनों तक लगातार आत्मा को यातनाएं दी जाती हैं। 47 दिनों के बाद ये सफर खत्म होता है और आत्मा यमलोक पहुंचती है। तो ये था आत्मा का वो 47 दिनों का सफर जिसके बारे में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को बताया था। लेकिन इस रिपोर्ट के अंत में हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे। सलाह ये कि आपको घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं, बस अच्छे कर्म कीजिए
और ख्याल रखिए कि अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा ही होता है। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।